हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टू माय चैनल ग्रामीण ज्ञान जॉब। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जामतरा जिला में बाल विकास सेवा कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत नियुक्त हेतु बहाली पदों की किस प्रकार होगी। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें लिखना करना jamtara.nic.in। क्लिक करने के बाद फिर देखिए दूसरा नंबर जो लिखा है जामतरा डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जामतरा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपको दूसरा नंबर के ऑप्शन पर आपको दिया हुआ है इशू डेट। इस डेट आपको बता रहे हैं ये आपका 27/10/23 से लेकर आपका 6/11/23 तक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर दिखा रहा हूँ। इसके नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत जिला के स्तरीय पदों के विभाग संरक्षण संख्या इस प्रकार दिया गया है। उसके बाद अधिक संख्या पर 1835। उसके बाद फ्रेंड्स विभिन्न संरक्षण पदाधिकारी संरक्षण पर देख रेख संरक्षण पदाधिकारी गैर सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटिंग कार्यकर्ता बाल विकास समिति सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद सीट के बारे देखिए फ्रेंड्स संरक्षण पदाधिकारी सके एक और सीट है, अनारक्षित पर एक है। उसके बाद गैर संरक्षण पर देखिए एक सीट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए विविध परीक्षा अधिकारी, इसमें भी आपका एक सीट है। उसके बाद नीचे देखिए आपका लिखा हुआ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी एक है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी एक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पर नोटिफिकेशन आप पूरी तरह से पढ़ के देख लीजिए। अब मैं इसके फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। आवेदित पद का नाम, उसके बाद आवेदित जिला का नाम, उसके बाद अभिशार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद माता पिता आवेदित अभिभावक यहाँ पर उसका नाम लिखना है। तो चलिए फिर उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जन्मतिथि लिखना। उसके बाद यहाँ पर आपका उम्र कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिंक जो उस पर कोई करना है। उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका फिर शहर, उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद इंटरनेट मोबाइल नंबर तो यहाँ पर लिखेगा नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद स्टेट राज्य किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखी हुई उत्तीर्ण हुई परीक्षा का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, उसके बाद वर्ष किस वर्ष पर, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद आपका श्रेणी किस ग्रेड में। इसी तरह करके आपका जितना कॉलम है जितना आपकी शिक्षा हुआ यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद अंत में देखिए आपको उत्तीर्ण हुई परीक्षा, उसके बाद यहाँ पर शाखा का नाम लिखाना होगा। उसके बाद यहाँ फॉर्म से कहाँ से भर रहे हैं, उसके बाद पैक, इसके बाद आपका अवधि वर्गमान, उसके बाद फ्रेंड्स नीचे पर आप देखिए एम एस ऑफिस अब जिसमें एम एस ऑफिस इंटरनेट है, ईमेल है, टेली है। उसके बाद आवेदक का यहाँ नाम लिखना है, फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कैसा रहा हमारे वीडियो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं कोई वीडियो पर। टाइम इन वाच जय झारखंड।